इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन आ गया, तो हर कोई अपनी इनकम कंप्यूटेशन, डिडक्शंस एंड टैक्स कंप्यूटेशन में बिजी होंगे। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी बहुत बड़ी बचत कर सकता है, यानी इनकम डिडक्शन। सो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सीए दीपक जोशी एंड आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ लीगल एंड इफेक्टिव वेज जिससे आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इनकम डिडक्शंस वो खर्चे हैं जिन्हें आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है एंड इसके साथ ही आपका टोटल टैक्स भी कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ मेन इनकम डिडक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की। ये बहुत ही फेमस डिडक्शन है जिसके अंडर आप 1.5 लाख तक का अपनी इनकम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें शामिल है प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, LIC प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपको सिर्फ उस ही SIP की डिडक्शन मिलेगी जो कि ELSS में कवर्ड हो एंड जिसमें लॉक इन पीरियड हो 3 ईयर्स का। मतलब आप अपने म्यूचुअल फंड को 3 साल से पहले नहीं तोड़ सकते। So, अपने म्यूचुअल फंड को एज इनकम डिडक्शन डिक्लेयर करने से पहले उसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी अवश्य जान लें। अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो याद रखिए सिर्फ वो ही फिक्स डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाएगा फॉर इनकम डिडक्शन जिसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स तक का हो। जब आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस डिपॉजिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ट्यूशन फीस, एजुकेशन, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 80C में सिर्फ उस ही पोर्शन की डिडक्शन मिलेगी जो कि ट्यूशन फीस का कंपोनेंट होगा। 80C के साथ साथ गवर्नमेंट आपको एक एडिशनल 50,000 की डिडक्शन भी प्रोवाइड कराती है अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत, जिसके अंडर आप डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज इन NPS। इस सेक्शन के अंतर्गत आप 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में एंड अप टू 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है सेक्शन 24B की। इस डिडक्शन के अंतर्गत आप 2 लाख तक की इनकम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन लिया हुआ है एंड आप उस होम लोन पे जितना भी इंटरेस्ट एनुअली पे करते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिल सकती है विच इज मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो होम कंस्ट्रक्शन या होम एक्विजिशन अप टू 5 ईयर्स कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपकी सेक्शन 24 की डिडक्शन 2 लाख से घटकर 30,000 हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट फेमस डिडक्शन है सेक्शन 80D की। इस डिडक्शन के अंतर्गत आप 75,000 तक की इनकम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि कवर होता है सेक्शन 80D में, उसकी डिडक्शन अप टू 25,000 ही है, बट ये सच नहीं है। आप 25,000 तक की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने वो मेडिकल प्रीमियम पे किया है खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने किड्स के लिए। आप 25,000 की एक एडिशनल इनकम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है या आप उनके हेल्थ चेकअप पे कोई भी एक्सपेंस करते हैं जिनकी एज है लेस देन 60 ईयर्स। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की एज मोर देन 60 ईयर्स है तो आप अप टू 25,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। एक एडिशनल 25,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ योर पेरेंट्स। तो इन सब तरीकों से आप टोटल 75,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। अगर आपके घर में कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो आप पे टोटली डिपेंडेंट है एंड आप उनके मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट पे कुछ खर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है एक एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, जिसके अंतर्गत आपको 75,000 तक की एक फ्लैट डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है एंड यही डिडक्शन इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 75,000 टू 1,25,000 अगर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ सेवरी डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन आप पे टोटली डिपेंडेंट है एंड जिसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप कुछ एक्सपेंस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम स्पेसिफाइड डिजीज, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है एन एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB अप टू 40,000 रुपीज। एंड इन केस वो डिपेंडेंट पर्सन एक सीनियर सिटीजन है तो ये डिडक्शन इंक्रीज हो जाती है अप टू रुपीज 1 लाख। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें एंड इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडिशनल डिडक्शन आपको प्रोवाइड कराती है अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेते हैं फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक डिडक्शन प्रोवाइड कराती है अंडर सेक्शन 80EEB फॉर इंटरेस्ट ऑन सच इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अप टू 1.5 लाख रुपीस। हर कोई चाहता है हायर स्टडीज करना एंड अपने सभी सपने पूरे करना बट कभी कभी पैसों की कमी की वजह से हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो एजुकेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक डिडक्शन प्रोवाइड कराती है फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी एजुकेशन लोन लेते हैं फॉर योर हायर स्टडीज तो आप ड्यूरिंग द ईयर जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 8 ईयर्स एंड द गुड न्यूज इज देयर इज नो अपर कैप। आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर आपको उस पूरे की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड कराती है अंडर सेक्शन 16 अप टू ₹50,000 एंड दिस डिडक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी कंडीशन। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है एंड आपकी सैलरी में एक कंपोनेंट है दैट इज HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस एंड आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप जो भी रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को ड्यूरिंग द ईयर उसकी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 जो कि होगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन एक्चुअल रेंट पेड, सेकेंड वन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहाँ पे मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एंड थर्ड वन इज 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इट विल बी 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड आपकी सैलरी में ऐसा HRA नाम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है या आप एक बिजनेसमैन हैं एंड उस केस में आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और रेंट पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो आप उस रेंट पेमेंट की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG जो कि होगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5000 रुपीस पर मंथ, सेकंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर 80GG डिडक्शन एंड थर्ड वन 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सो देखा है ना कितनी सारी डिडक्शन अपॉर्चुनिटीज एंड अगर आप इन डिडक्शन अपॉर्चुनिटीज को केयरफुली यूज करें तो आप अपना इनकम टैक्स ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली ऑन टाइम एज 31st July इज द लास्ट डेट टू फाइल योर ITR। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे ही फाइनेंस एंड टैक्स कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब टू फाइनेंस योर वे।